थैंक यू मैडम। नंबर एफआईआर का आपका? एक्चुअली जो एफआईआर थी वो मेरे भाई की तरफ से थी, और नंबर क्या है? किडनैपिंग के हवाले से, और वो केस नंबर उसका मुझे अभी नंबर मेरे पास नहीं है, लेकिन वो केस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। सो मोटो पुलिस केस तो अलग है ना जी, जी वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का बना किया, केस क्लोज कर दिया है, आज तक कुछ भी नहीं हुआ। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई है, जीआईटी की भी बनी थी, एक मीटिंग हुई, 2-3 साल हो गए हैं, लेकिन रिपोर्ट फाइल हुई हुई है और पेंडिंग है, और उसके ऊपर कोई एक्शन। आप एफआईआर नंबर दे दीजिए अटॉर्नी जनरल को, इसलिए And even those cases where no FIR was registered, that they went to the police station. So far, 4 names have come before us: Mr. Asad Ali Too, Mr. Imran Shafkat, Mr. Amir Mir, Mr. Matiullah Jan. And we do, if a wishy-washy report comes, आप क्या क्या कुछ हुआ उसकी रिपोर्ट भी मंगवानी चाहिए। कौन सी? फेडरल गवर्नमेंट से मंगवाई जाए वो रिपोर्ट भी, कि जर्नलिस्ट में के साथ पिछले 5-7 साल के अंदर। वो एक अलग बात है ना, इसके स्पेसिफिक इंस्टेंसेस तो पता है ना, ये जो सामने एफआईआर, देखिए उसका फिर एक फायदा मिलता है, एक केस कर ले उसका बहुत पॉजिटिव फायदा दूसरे केस में भी पड़ जाता है। तो कम अज कम दी, ये तो हमें पता है, टेंजिबल केसेस जो है, जो असल केसेस जो हमारे सामने आ गए हैं, या तो पुलिस के ये सारे झूठे केसेस हों तो एक अलग बात है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, अगर कोई विशी वॉशी टाइप की आपने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दी, तो हेड ऑफ द रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट शुड बी हियर, माय लॉर्ड, नो लेस देन द आईजी, नो लेस देन द डायरेक्टर जनरल एफआईआर। ये आपको बुलाया था जीआईटी में मतुल्ला साहब, एंड इफ इट रिक्वायर्स इंक्वायरी टू गो फ्रॉम टू एनी इंटेलिजेंस एजेंसी, दे विल गो देयर। आ जाइए। मैं सिर्फ ये कहने लगा हूं कि जो इनकी प्रेस रिलीज थी, आई स्टैंड बाय इट, लेकिन ये जो पिटीशन थी, आई फेल्ट आई एम ट्रैप्ड टू साइन दिस पिटीशन, सो आई एम जस्ट विदड्रॉइंग फ्रॉम दिस पिटीशन। आपने क्या झूठा एलिगेशन लगाया? आई एम नॉट सेइंग झूठा एलिगेशन, हम कह रहे हैं, सॉरी टू से, आपकी मर्जी नहीं है कि आप टहलते हुए आए और कहें कि मैं अब जा रहा हूं, खुदा हाफिज। नहीं सॉरी, ये बात अगर, या तो बोलिए झूठा एलिगेशन था, अगर सच्चा है हम आपके बुनियादी हकूक आपको दिला करके छोड़ेंगे। असद तूर साहब जरा सुन लीजिए, अगर आप पे प्रेशर है इसको विड्रॉ करने का, हम नहीं अलाउ करेंगे। नो वे, आई एम नॉट। अच्छा, हम करेंगे ना, आप हमारे पास ले आए ना एक चीज, हम देखेंगे उसको। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये पिटीशन जो साइन हुई मेरी, इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें विड्रॉ कर रहा हूँ, अदरवाइज आई स्टैंड बाय माय एलिगेशन, आई स्टैंड बाय एवरी वर्ड आई मेंशनड इन माय एफआईआर। हमारा काम छोड़ दीजिए, ठीक है, आप नहीं करना चाहें आप तशरीफ रख लें, हम काम करवा, हम फिर भी बुनियादी हकूक दिलवा के छोड़ेंगे। असद साहब, इसमें कोई फर्क है जो दोनों आप एक से विड्रॉ करते हैं दूसरे के ऊपर? दूसरा है ही ना उनका, वो तो एक ही पे आपने साइन नहीं किया, कह रहे हैं ना बेंच बना दी, चलिए केस पर चला, लगता क्यों नहीं है केस? ये देखिए ना, ये तो बार बार मैं कह रहा हूँ, कब तक हम माजी के गलतियों को दोहराएंगे? हम तो तैयार हैं गलती तस्लीम करना, यहाँ तो भाई माफी मांगने की बात दूर की है, तस्लीम तो कोई कर लेना अपनी गलतियां, यहाँ तो मौका बस देखा जाता है, ये मौके में मेरा फायदा हो रहा है तो ठीक है। सर, रजिस्ट्रार ऑफिस से बता सकते हैं? हम खुद कह रहे हैं ना, हम इसमें गुनाहगार हैं कि केस नहीं लगा, क्यों ना हम सच बोलें।